साल 2017 को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बायस दुकानदारों ने फरोख करने के लिए अपनी दुकानों पर मुख्तलिफ इकसाम के फूलों का ढेर लगाया है, जिसकी वजह से दुकानें हसीनो जमील मंजर पेश करने लगी हैं। जहां देखो वहां फूल ही फूल दिखाई दिए हैं, जिसको देखकर दिल बाग बाग होने लगा। कहीं गुलाब के फूल तो कहीं गुले दाऊदी, कहीं मोतिया तो कहीं दीगर फूल हसीनो जमील मंजर पेश करते रहे हैं। लेकिन महंगाई के जिन ने साल नू को भी अपनी अफरियत के अताब में घेर लिया है, जिसकी वजह से फूलों की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। खरीदार को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे तकरीबन एक महीने पहले मैं फूल लेके गया था 200-250 रुपए में, तो अब मैं वही फूल खरीदने आया तो मुझे 300-400 रुपए मिलने ही है। आउट ऑफ सीजन जो होता है वो मकसद एक चीज़ होती है, उसको अब सीजन चला है तो उसको 200% ये लोग कर देते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है यार। एक्चुअली डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो कीमत बढ़ती है, मजबूरन लेना पड़ता है यार। खरीदार तो खरीदार, दुकानदार भी इस महंगाई के जिन से नाखुश दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना है कि हमें ये फूल बैरून शहर से मंगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मुँहमांगी कीमतें तलब करते हैं। फूल महंगे चल रहे हैं भाई साहब, अभी जो है कट फ्लावर का मुठ्ठा जो है उसमें 40 फूल होते हैं, वो चल रहा था 150 रुपए का, आज वो बिका है 400 रुपए का। मार्केट में माल आज बहुत महंगा था, आम दिनों के हिसाब से आज जो है ना माल बहुत महंगा पड़ा है और ग्राहक है नहीं, रेट बहुत ज्यादा है, ग्राहक की समझ में आ नहीं रहा इतना रेट। अब देखना यह है साल 2017 में ये महंगाई का जिन इसी तरह आजाद घूमता रहेगा या फिर कोई उसे लगाम भी देगा। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ मोहम्मद अहमद, मेट्रो 1।